स्वागत तो है स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ uh, the है कि इफ़ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट मासेज इज गिवन बाय एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर क्यूब देन द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विल बी प्रोपोर्शनल टू देखो पहले एक यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट ड्रॉ कर लेते ठीक है तो ये मान लो एक सर्कुलर ऑर्बिट हो गया और यहाँ पर सपोज करो कि कोई एक प्लानेट है और इस प्लानट के चारों तरफ ये सैटेलाइट uh, जो है घूम रहा है इस ऑर्बिट में और बोल रहा है कि जो भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा दोनों पॉइंट मास के बीच में तो जैसे सेटेलाइट को ये पॉइंट मास अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा और वो फोर्स का वैल्यू एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर क्यूब लेना है ठीक है तो बताओ कि जो सेटेलाइट है उसका टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और इसके लिए देखो सबसे पहले तो तुम यहाँ ये समझो कि जब ये सर्कुलर मोशन इस तरह से कर रहा होगा तो सेंटर की तरफ तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगी ही रहे बाहर एक फोर्स लगेगा जो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर जहाँ पे एम इसका मास है वी इसका स्पीड है और आर यहाँ पे दोनों के बीच का सेपरेशन है ठीक तो है? है तो ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या रहेगा इक्वल रहेगा तो ये सर्कुलर मोशन यहाँ पे चल रहा होगा तो एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम एम वी स्क्वायर आर और एफ का वैल्यू है जी एम वन एम टू बाई आर क्यूब इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर ठीक है तो ये जो मास एम है ये एक्चुअल में एम टू इसको मान रहे हैं इसको एम वन मान रहे हैं ठीक है ना तो ये एक्चुअल में एम टू है ठीक तो यहाँ पे ये एम टू जो सेकेंड बॉडी है उसका मास है तो ये एक्चुअल में कट जाएगा यहाँ से और एक आर कट जाएगा सो जी एम वन बाई आर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू वी स्क्वायर तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वी एक आर कट गया हाँ ठीक है तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि वी इज डायरेक्टली वी स्क्वायर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर क्योंकि जी एम वन के अकांस्टेंट है, है तो वी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा वन बाई आर स्क्वायर के या फिर वी जो है प्रोपोर्शनल किसके होगा वन बाई आर के ठीक है तो फाइनली हमको एक रिलेशन मिला वी इज़ प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर ये हम यहाँ पे अभी रख लेते हैं फिलहाल के लिए ठीक है अब एक काम करो कि टाइम पीरियड जैसे मेरे से पूछा है तो टाइम पीरियड तो हम जानते हैं ना कि डिस्टेंस बाई स्पीड होता है तो जब ये एक पूरा कंप्लीट सर्कुलर पाथ ये कंप्लीट करेगा तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा टू पाई आर और उसमें जो वेलोसिटी था उसका कितना वी था तो टू पाई आर अपॉन वी 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 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से देखो वी को हम लिख सकते जी एम वन बाई आर स्क्वायर वी स्क्वायर को लिख सकते जी एम वन बाई आर स्क्वायर तो जी एम वन बाई आर स्क्वायर का रूट यही हो जाएगा वी का वैल्यू तो फिर ये आ जाएगा टू पाई आर अपॉन रूट अंडर जी एम वन और ये आर स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा आर हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है तो अब इसमें से टू पाई कॉन्स्टेंट है रूट अंडर जी एम वन कॉन्स्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ठीक है और अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते थे तो आप ऐसे लिख सकते थे कि टाइम पीरियड यहाँ पे आर का प्रोपोर्शनल है और वी जो है वो वन बाय आर का प्रोपोर्शनल है और ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम डायरेक्ट भी कह सकते थे कि टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आप इसमें सही करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग